दुनिया भर में बहुत सारी अजीब कारें मौजूद हैं। सबसे बड़े, सबसे बेहतर और सबसे मजबूत की स्पर्धा कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। इस वीडियो में हम मॉडिफाइड लिमोजिन्स देखने वाले हैं। लिमोजिन का मतलब होता है कि कई सुविधाओं से लेस एक तरह की लंबी कार। हम इंडियंस बड़ी गाड़ियों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये अलग बात है कि लिमोजिन टाइप की स्ट्रेच्ड गाड़ियाँ हमारे इंडियंस रोड्स के हिसाब से ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती, पर यही लंबी कारें में पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करती है, क्योंकि हमारे पास पर्सनल फोर व्हीलर व्हीकल होने को भी इंडिया के अंदर लग्जरी कहा जाता है। इसीलिए भारतीय कारों के फैशन में लिमोजिन का विस्तार अभी भी चल रहा है। हमारे इंडिया में तो इस प्रकार की लिमोजिन कारें ना ही बेची जाती है और ना ही इस तरह की गाड़ियों के लिए इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट परफेक्ट मार्केट नहीं है। इसीलिए कुछ अजीब करने के लिए मॉडिफायर्स ने इंडिया के नॉर्मल गाड़ियों को लिमोजिन जैसी बड़ी लंबी गाड़ियों में बदला है। इस वीडियो में हम ऐसी कारों के बारे में जानेंगे जिनको नॉर्मल गाड़ियों से लिमोजिन बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्ड एंडेवर 40 लाख के बिग साइज एसयूवीज में मोस्ट पॉपुलर कार में से एक है। गाड़ी की नई जनरेशन कन्वीनियंस और प्रीमियम फीचर्स के मामले में सबसे टॉप पर है। गाड़ी की पहली वाली जनरेशन भी अच्छी थी, जो आज भी इंडियन सड़कों पर नजर आती है। यहाँ पर जो फोर्ड एंडेवर है उसे लिमोजिन में बदला गया है, और इस लिमोजिन के मॉडिफिकेशन में मॉडिफायर्स बहुत हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। गाड़ी की लेंथ और व्हील बेस को स्ट्रेच कराया गया है। यहाँ पर गाड़ी के ओरिजिनल लुक्स वैसे ही है। इस प्रकार के मॉडिफिकेशंस गैरकानूनी होते हैं, और यदि रास्तों पर इस तरह के मॉडिफिकेशंस नजर आते हैं तो उन्हें RTO के जरिए कब्जे में ले लिया जाता है। अगर इस गाड़ी की बात करें तो सामने के बम्पर पर बुल बार लगे हैं, जिस पर दो ऑक्सिलरी लैंप्स लगे हैं। LED लाइट बार गाड़ी के रूफ पर लगे हैं। ब्लैक रूफ रेल्स गाड़ी के टॉप को कवर करते हैं। गाड़ी के पीछे स्पॉयलर्स हैं। रीडिजाइन बम्पर और LED टेल लाइट के साथ गाड़ी की सेंट्रल बॉडी बहुत हद तक मॉडिफाई हुई है। फोर्ड एंडेवर को बीच से काटा गया है, और इसमें सेंट्रल बॉडी के रूप में फोर्ड एंडेवर के ही चैसिस का उपयोग हुआ है। असल में असली लिमोजिन कार उसे कहा जाता है जिसके इंटीरियर में डिस्को बार, LED स्क्रीन्स, म्यूजिक सिस्टम्स वगैरह होते हैं। इसी तरह एंडेवर लिमोजिन के अंदर भी इस तरह के मॉडिफिकेशंस देखने मिलते हैं। गाड़ी का इंटीरियर प्रीमियम फीचर्स के साथ भरा पड़ा है, जहाँ पर ग्लास हाउसिंग्स, वुडन काउंटर्स है। गाड़ी के फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें 21 इंचेस LED स्क्रीन, डिस्को टाइप ऑडियो सिस्टम, मिनी फ्रिज, बैटरी पावर्ड इन्वर्टर, सोफा कम बेड, इलेक्ट्रिक सनरूफ, साथ ही डिस्को लाइटिंग और कार एंटरटेनमेंट सिस्टम है। गाड़ी अब एक परफेक्ट पार्टी व्हीकल बन गई है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो लंबे समय से इंडिया की फेवरेट SUV रही है। गाड़ी की करंट जनरेशन अच्छी है, पर पहली वाली जनरेशन ने इतिहास रचा था। स्कॉर्पियो की कॉम्पिटिटर सफारी सेल्स में हमेशा स्कॉर्पियो से कम रहती थी। एंडेवर के जैसे ही यहाँ पर भी स्कॉर्पियो को स्ट्रेच किया गया है। इसके लिए गाड़ी को बीच से काटा गया है, साथ ही दो गाड़ियों के चैसिस को जोड़कर उनका उपयोग सेंट्रल बॉडी के रूप में हुआ है। गाड़ी के बीच में ग्लास विंडोज है। गाड़ी में नॉर्मल गाड़ियों के जैसे ही चार दरवाजे है। गाड़ी का फ्रंट और रियर वैसे ही है, यहाँ पर बहुत से चेंजेस नहीं किए गए हैं। गाड़ी को 17 इंचेस की अलॉय व्हील्स लगाई गई है। गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो अब गाड़ी का इंटीरियर किसी डिस्को से कम नहीं है। गाड़ी के अंदर वुडन टेबल्स, सोफा और सॉफ्ट कारपेट है। गाड़ी का इंटीरियर बड़ी विंडोज और सोफा की वजह से आलिशान दिखता है। 32 इंचेस LCD स्क्रीन, DVD प्लेयर्स और लाइटिंग नजर आते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता ही नहीं है कि इस गाड़ी में ऐसा कुछ हो सकता है। गाड़ी का मेन केबिन ड्राइवर केबिन से सेपरेट है, पर इंटरकॉम से दोनों भी केबिन्स को इंटरकनेक्टेड किया जा सकता है। ड्राइवर गाड़ी के पीछे की साइड कैमरे के जरिए देख सकता है। दरअसल स्कॉर्पियो लैडर फ्रेम चैसिस पर बनी है, जिसकी वजह से इस गाड़ी में मॉडिफिकेशन करना पॉसिबल हुआ है, क्योंकि इस तरह के मॉडिफिकेशंस मोनोक्यूब प्लेटफॉर्म पर बनी किसी भी कार में करना लगभग नामुमकिन है।
टाटा सुमो ग्रैंड मिड साइज एसयूवी थी, जिसे टाटा ने 2008 में लॉन्च किया था। ये दरअसल सुमो का अपग्रेडेड मॉडल था जो हमेशा से ही चर्चा में कम रहा था। सुमो ग्रैंड सुमो की सेकेंड जनरेशन थी जो पहली वाली जनरेशन के साथ ही बेची जाती थी, पर फर्स्ट जनरेशन के उतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकी। गाड़ी शार्पर और मॉडर्न लुक्स की वजह से एमपीवी कम और एसयूवी ज़्यादा नजर आती थी। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि सुमो यूवी कार थी। यहाँ पर जो सुमो गाड़ी है उसे भी एक लिमोजिन का रूप देने की कोशिश हुई है। गाड़ी के लेंथ को 2 गुना बढ़ाया गया है, यानी कि सुमो को बीच से काटकर इनमें 2 गाड़ियों के चासिस को अटैच किया है। गाड़ी के लुक्स वैसे ही है, सामने की तरफ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पर इंटीरियर बहुत प्रीमियम हो गया है। गाड़ी लग्जूरियस है। इस तरह के सुमो ग्रैंड के मॉडिफिकेशंस गुजरात में बहुत पाए गए हैं और उनमें से कुछ गाड़ियों को कब्जे में भी ले लिया गया है। यहाँ पर जो लिमोजिन है वो दरअसल स्कॉर्पियो है। ये दोनों भी गाड़ियाँ स्कॉर्पियो गाड़ियाँ है, पर सामने के लुक्स बहुत ही डिफरेंट है। एक स्कॉर्पियो को हुमर में बदला गया है जबकि दूसरी को कैडिलैक लिमोजिन में बदला गया है। इन दोनों भी गाड़ियों के इलीगल मॉडिफिकेशन की वजह से इन्हें वाशी में कब्जे में ले लिया गया है। इन गाड़ियों को रेंट पर दिया जाता था, किसी भी फंक्शन में 1 घंटे के लिए 10,000 रुपये इतना चार्ज किया जाता था। इन दोनों भी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशंस गुजरात के है। गाड़ियों के लुक्स की अगर बात करें तो इसमें से एक गाड़ी होमर के जैसी दिखती है, जहाँ पर फ्रंट के ग्रिल्स और हेडलैम्प्स हमर से इंस्पायर्ड है, जबकि दूसरी गाड़ी कैडिलैक लिमोजिन के जैसी दिखती है जिसमें वैगनर के हेडलैम्प्स का उपयोग हुआ है। इन दोनों भी गाड़ियों के लेंथ को 2 गुना बढ़ाया गया है। गाड़ियों को बीच से अलग करके उनमें लेंथ बढ़ाने के लिए स्कॉर्पियो के ही चासिस का उपयोग हुआ है, जिसकी वजह से लेंथ 1.6 मीटर से बढ़ाई गई है। गाड़ी के इंटीरियर की अगर बात करें तो इंटीरियर में भी अब कई सारे चेंजेस हुए हैं, जहाँ पर डेस्क, डिस्को बार्स, 32 इंचेस LCD स्क्रीन्स, LED लाइटिंग जैसे फीचर्स नजर आते हैं। गाड़ी लग्जूरियस लिमोजिन में बदली गई है। इसमें से एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 2011 का है और दूसरा 2012 का, पर इस तरह के मॉडिफिकेशंस की वजह से गाड़ियों की सेफ्टी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। हिंदुस्तान एम्बेसिडर मोस्ट आइकॉनिक इंडियन गाड़ियों में से एक थी। इतना ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान एम्बेसिडर उन गिने चुने गाड़ियों में से एक है जो लंबे समय तक प्रोडक्शन फेज में रही थी। एम्बेसिडर में कई सारी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से इसने एक समय में इंडियन मार्केट को हिलाकर रख दिया था, जैसे कि गाड़ी की सॉलिड बॉडी, टाइमलेस डिजाइन और स्पेशियस इंटीरियर। एक समय था जब पॉलिटिशियंस और अमीर लोग एम्बेसिडर को ही अपनी पहली पसंद मानते थे, जिसकी वजह से इस गाड़ी का मॉडिफिकेशन के लिए आज भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो एम्बेसिडर है उसे लिमोजिन में बदला गया है। गाड़ी को मध्य प्रदेश में मॉडिफाई किया है। एक लिमोजिन के हिसाब से गाड़ी बहुत हद तक मैच होती है। आपको शायद ही पता होगा कि हिंदुस्तान एम्बेसिडर मोनोक्यू प्लेटफॉर्म पर बनी थी, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत आगे था, और इस मोनोक्यू प्लेटफॉर्म में चेंजेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली तब जब गाड़ी को लिमोजिन में कन्वर्ट करना हो। गाड़ी पूरी तरह से ब्लैक पेंट में है, सिल्वर क्लैडिंग के साथ, जो गाड़ी को कॉन्ट्रास्ट ड्यूअल टोन लुक देते हैं। गाड़ी के बड़ी हुई लेंथ के सिवाय एक्सटीरियर में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। गाड़ी के टेल लाइट्स पुराने हैं, पर हेडलैम्प्स नए LED यूनिट में है। गाड़ी में आफ्टर मार्केट नए अलॉयज लगे हैं। अब गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत हद तक मॉडिफाई हुआ है। डैशबोर्ड और स्टीयरिंग पहले के जैसा ही है, पर यहाँ पर अब रेड वेलवेट अपोलस्टरी नजर आती है। पीछे के रियर कंपार्टमेंट में 4 कैप्टन सीट्स ऐड हुई है। गाड़ी में बिग डिजिटल स्क्रीन, स्टेरियो, DVD प्लेयर है, जो इतने मॉडर्न अंदाज में तो नहीं है पर लग्जरी फील देने के लिए काफ़ी है। गाड़ी में कोई भी मैकेनिकल चेंजेस नहीं हुए है। तो यही थी मॉडिफाइड इंडियन लिमोजिन्स कार्स। तो इनमें से आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।